हेलो स्पार्क राइडर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपको मलेशिया के उस डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा जो अपने खूबसूरत बीचेस और रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ये है लंकावी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, यहां कहां कहां घूम सकते हैं, कितने दिन लगेंगे और खर्च कितना होगा। रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। स्पार्क राइडर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लंकावी मलेशिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। ये 104 द्वीपों का समूह है जिसमें हाई टाइड के समय 5 द्वीप पानी के नीचे चले जाते हैं। लंकावी मलेशिया के केदाह राज्य में पड़ता है। यहाँ कैसे पहुंचे? लंकावी के लिए आप कुआलालंपुर से फ्लाइट ले सकते हैं जो आपको 1 घंटे 20 मिनट में लंकावी पहुंचा देती है। कुआलालंपुर से लंकावी आने जाने के लिए फ्लाइट 2000 रुपए के लगभग पड़ती है। लंकावी एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको कुआलालंपुर से कुआला पैरलिस की बस लेनी होगी जिसका किराया 49 रिंगिट यानी लगभग 860 रुपए होता है। उसके बाद वहां से 18 रिंगिट में आपको फेरी मिलती है जो आपको लंकावी पहुंचाती है। लंकावी हवाई मार्ग से जाना ज़्यादा सस्ता और सुविधाजनक पड़ता है। आप यहां पहुंचकर होटल तक जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं जिसके लिए आप ग्रैब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उबर की तरह काम करती है। होटल, आपको यहाँ अच्छे होटल्स में रूम 1200 से 1500 रुपये तक में मिल जाते हैं जिसकी बुकिंग आप पहले से ही करवा सकते हैं। अगर आप सस्ते में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें कि आपको 500 रुपए तक में बेड मिल जाता है। आप अपना होटल या हॉस्टल चेनांग बीच के पास ले सकते हैं। यहाँ अच्छी मार्केट भी है और कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। स्कूटी रेंट, आप यहाँ टैक्सी से भी घूम सकते हैं पर वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। आप यहाँ स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जिसका रेंट 50 रिंगिट के लगभग पर डे होता है जो कि लगभग 850 रुपए। यहाँ पेट्रोल का प्राइस भी अपेक्षाकृत सस्ता है जो कि 2.5 रिंगिट यानी 43 रुपए पर लीटर तक पड़ता है। आपका यहाँ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है। इंडिया की तरह यहाँ भी नॉर्मल लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है लेकिन रूल्स थोड़े सख्त हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं। स्कूटी का फायदा यह है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। स्कूटी रेंट करते समय स्कूटी का वीडियो बना लें और आपके लिए यह अच्छा रहेगा कि इसे चलाकर देख लें और यदि कोई दिक्कत हो तो पहले ही समझ लें। यहाँ कहाँ कहाँ घूमें? आप यहाँ दिन की शुरुआत स्काई ब्रिज से कर सकते हैं। ये चेनांग ब्रिज से 20 किलोमीटर दूर है। स्काई ब्रिज पर जाने के लिए स्काई कैब की टिकट लेनी होती है। यहाँ पर आपको स्काई कैब, स्काई ब्रिज के साथ साथ कई और भी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं। आप यहाँ जो जो एक्टिविटीज करना चाहेंगे उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन टिकट ले सकते हैं। स्काई कैब से आप 15 मिनट में 742 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। स्काई कैब में बैठने का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। स्काई कैब के 2 स्टॉप होते हैं, मिडिल डेक और टॉप स्टेशन। आप मिडिल डेक पर उतरकर यहां से लंकावी के सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद आपको टॉप स्टेशन पर उतरकर स्काई ब्रिज के लिए ट्रैकिंग करनी होती है। स्काई ब्रिज 125 मीटर का घुमावदार सस्पेंशन ब्रिज है जहां से आपको लंकावी का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसी ब्रिज पर शाहरुख खान की डॉन मूवी का लास्ट सीन शूट हुआ था। आप स्काई ब्रिज पर समय बिताने के बाद वापस नीचे आकर 3D आर्ट म्यूजियम घूम सकते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 3D म्यूजियम है। यहाँ 200 से भी ज्यादा 3D आर्ट्स हैं, जिसके साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए फोटो खिंचवा सकते हैं। इंस्टाग्राम से याद आया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @sparkrider। मैं वहाँ अपने ट्रैवल और बाइक राइड से रिलेटेड मजेदार वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आप यहाँ 3D मूवीज का भी मजा ले सकते हैं जो कि हर 30 मिनट में स्टार्ट होती है। इसके बाद आप 7 वेल वाटरफॉल जा सकते हैं जो कि 3D म्यूजियम से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर फ्रेश पानी में नहा भी सकते हैं।
इसके बाद आप चेनांग बीच जा सकते हैं। इस बीच पर सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ पर काफी सारे बीच साइड कैफेज हैं। आप कैफे में बैठकर शाम के इस नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। थर्सडे कैफे यहाँ के मशहूर कैफेज में से एक है। इसके बाद अगले दिन सुबह आप ईगल पॉइंट जा सकते हैं। ये लंकावी के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ ईगल का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ईगल यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ईगल को मलय भाषा में लंकावी कहते हैं। इसी की वजह से आइलैंड का नाम भी लंकावी पड़ा। यहीं पास में जेटी पॉइंट है, जहाँ क्वाला पैरालिस के साथ साथ थाईलैंड के लिए भी फेरी मिलती है, क्योंकि थाईलैंड यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके बाद आप वाइल्ड पार्क जा सकते हैं। यहाँ एक ओपन जू है। आप यहाँ पर पाए जाने वाले सभी पक्षी और जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 39 रिंगिट की होती है, जो कि लगभग 680 रुपए इंडियन करेंसी में होता है। इसके बाद आप किलिम जियो फॉरेस्ट जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको बोट हायर करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 200 रिंगिट देने पड़ते हैं, जिसमें आप चार जगह घूम सकते हैं। पहले आप बैट केव जाते हैं। ये केव चमगादड़ों से भरी रहती है। यहाँ बंदर भी काफी हैं, तो उनसे सावधान रहें। इसके बाद आपको उस जगह ले जाया जाता है जहाँ यहाँ के प्रसिद्ध पक्षी ईगल यानी लंकावी बहुत रहते हैं। इसके बाद आपको जियो फॉरेस्ट का एक चक्कर लगवाया जाता है और उस स्थान पर भी ले जाया जाता है जहाँ से थाईलैंड दिखाई देता है। इसके बाद आपको फिश पार्क ले जाते हैं। ये पूरा ट्रिप करने के बाद आप गुनुंग राया जा सकते हैं। ये पहाड़ी पर स्थित एक स्थान है जहाँ से पूरे लंकावी का नजारा दिखता है। अगले दिन आप तांजुम रू बीच जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और शांत बीच है। यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, लेकिन ये लंकावी के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। इसके बाद आप टैमुरन वाटरफॉल जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत झरना है। आप यहाँ बहुत शांति का अनुभव करते हैं। आप चेनांग बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के विभिन्न आइलैंड पर जाकर एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एक दिन लग जाता है। फूड यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना मिल जाता है। चेनांग बीच पर कई इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग रहते हैं। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत से हैं। आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बिरयानी जैसे सभी प्रकार का भोजन मिल जाता है, जो काफी स्वादिष्ट भी होता है। आपका यहाँ 50 रिंगिट के लगभग पर डे खाने का खर्च आता है, यानी लगभग 850 रुपए। आपको यहाँ घूमने के लिए कम से कम 4 दिनों का प्लान बनाना चाहिए। एक जरूरी बात, आप यहाँ जंगल के पास पैदल ना घूमें, क्योंकि यहाँ कई जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लंकावी जाने में सहायता मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।